बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बनके सबकी उतरी के बिचवा सबके उतरी के बिचवा पराम बनके बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बनके बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बनके सबके पुतरी के बिचवा सबके पुतरी के बिचवा परान बन के बेटी ससुरे में रही ससुर के पाजे जब खड़ा ससुर के पाजे जब खड़ा पानी दिया धोए पौआ ससुर के पाजे जब खड़ा पानी दिया धोए पौआ अगहन पूस महीना के बिहान के बिहान सत्संग में तू जइहा सत्संग में तू जइहा समय जो पैहा संग में मन लैया घूंघट में घूंघट में छू पैहा घर में हीरा मोती के दुकान तोरे कारण बताई
हाथी तो आवे पान पसी हाथी तो आवे पान पसी सबके पुतरी के बिचवा परां बन गए बेटी ससुर बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर। हम गा रहे हैं ना, हम जब इसको पढ़ रहे थे कभी ना तो रुलाई आ रही थी, कितना सुंदर भाव इसमें। अभी तो आपने गाना सुना ना रिदम के साथ, इसके भाव को थोड़ा ध्यान से देखो, कितनी बड़ी बात कही थी इसमें। मिस दिन सासु का चरण दबैया, बताओ कसम खा के बोलो कितने लोग हो जो आपने सास को चरण दबाती। हसी है मत हम लोग जे हसत है वो कौन अपने दादा का चरण दबाओ। जब अपने दादा का जन्म नहीं दादा का सेवा करी तो दूसरे के घर का आयल कितना सेवा करी। सुबह सुबह उठ करके और घर का काम धाम करके सबको खुश रखना। आज को मेहरारू वाली मेहरारू मर्द सब जबले जबले के जगावे ना तबले सुतले में मजा आवे। आई जोन बहरा रैली ना अपने मर्दे के संग दिल्ली बम्बई गुड़गांव, ये तो सबसे ज्यादा बिगड़ गया है। गंगा में तो थोड़ा लाज शर्म रहता है, ससुर है बसुर है देवर है, बारह तक फ्लैट में क्यों बटले नहीं बा।
अब पति बेचारा शादी किया तो था खार के छोड़ देता है, खुदे चाय बनाता है उठ करके गैस सिलेंडर पर और पी के जाता है ऑफिस में खाना खा लेता है, शाम को आता है तो लूखा लूखा मिलता है देवी जी बना के दे दे पेट भर लेता है। मतलब अगर पति अपनी पत्नी से अलग भी होना चाहे ना तो नहीं हो सकता, क्योंकि अलग होने पर भी भरपाई देना पड़ेगा, मालूम ना कानूनी जो विधि है, 10,000-15,000 जो फिक्स हो जाएगा वो भेजना है, उनकी मजबूरी है। तो आदमी सोचता है कि संग में रह के कुछ खर्च कर लो, दूर रह के खर्च करने से तो अच्छा ही है। जो गेहूं एक ही आहट पहिया मुखड़ा घूंघट में छुपैया। देखो हम आधुनिकता को प्रेम करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आधुनिकता के कारण अगर हमारी संस्कृति का पतन होना तो वो गलत बात है। अब इस विषय पे ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, सिनेमा देख करके आजकल के लड़के और लड़की दोनों बिगड़ रहे हैं और माता पिता लोग भी जाके ऐसे कपड़े खरीद देते हैं समझ में नहीं आता। कम से कम ठीक कपड़ा पहनना चाहिए, पैसा जिसके पास जितना है वो उतने कम कपड़ा पहनता है, मतलब पैसा ना हो कपड़ा नहीं खरीद पा रहा वो एक समस्या है, लेकिन जितना पैसा जिसके पास है उसके बच्चे उतने कम कपड़े पहन रहे हैं, आप देख लेना। इज्जत पगड़ी के जो गई है, पगड़ी मतलब जो घर की इज्जत है ना, मान सम्मान, उसको जाके बर्बाद मत करना, जाके ऐसा कारनामा किया कि इस गांव में किसी लड़के का विवाह करने में कोई तैयारी नहीं होता है, बहुत लड़ाकू गांव की लड़की है, आए तो सबके पीटी डंडा डंडा के लिए, वहां शादी नहीं करना है, ऐसा मत करना। ये हम इसको जोक नहीं बना रहे ना, ये एक्चुअली होता है हमारी जिंदगी में, हम गलतियां करते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही हुई है, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिया जियत नाई बमाई, कहीं जाओ तो उतना प्रेम बिखेरो ना कि वो टूटा हुआ घर ना जुड़ जाए आपस में, ऐसा ना हो कि जाते समय और दरार पड़ जाए। और ऐसे रहना जैसे पवित्र ग्रंथ गीता रामायण पुराण रहता है, अपने आप को बचा के रखना। संसार में देखो ना, संसार बहुत भयानक चीज है, आपको एक अच्छी बात बताते हैं, यहाँ आप कितनों शरीफ हो ना, कितनों अच्छो हो तो भी आपको कोई उंगली उठा के कुछ बुरा कह सकता है, तो जो बुरा करेंगे उसका क्या हाल होगा। एक घटना बताते हैं, एक हमारी परिचित अम्मा है, उसकी लड़की ने एक दिन अम्मा के मोबाइल पर अननोन नंबर से आई लव यू लिख के भेज दिया। अम्मा की उम्र कितनी होगी, कम से कम 45-48 साल होगी, और जो अंकल है ना उनके हस्बैंड, उनकी भी उम्र 50 साल से कम नहीं होगी। अब वो गलती से मोबाइल देख रही है, बोले मुझे तुम अभी तक धोखा दे रही थी, उदास रहने लगी, डिप्रेस हो गए। बताओ ये उम्र में कुछ ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, एकदम घर में तनाव आ गया, बात नहीं करना, खाना पीना बंद, वो किसी के साथ ऐसा होगा तो बड़ा खतरनाक। अब वो इतनी बदमाश लड़की थी कि वो नंबर स्विच ऑफ कर दिया ना, जिस नंबर से मैसेज किया था। एक हफ्ते बाद फोन की कि आंटी कैसी हैं, तो आंटी रोने लगी, अरे क्या बताऊं यार, वो पता नहीं कहां से एक अजनबी नंबर से फोन, ऐसे एसएमएस आया है, तुम्हारे अंकल जी परेशान है देख करके। तो उसने वो घर आई और अंकल को डांटा कि आपको शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में शक करते हो ना, आपको कोई पूछेगा नहीं, नहीं कोई पूछेगा इस उम्र में, भरोसा रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में पति पति का रिश्ता भरोसे पे टिका होता है। हम ये घटना इसलिए बताए ना कि आप समझो कि गलत फहमी में भी दूरियां बन जाती हैं, तो अगर हमसे कोई गलती हो गई तो फिर तो गलत फहमी तो दूर हो जाती है, गलती दूर नहीं होती। इसलिए अपने परिवार पर भरोसा करिए और भरोसा
बने रहने के लिए हर प्रयत्न करिए। दोनों पक्षों के लिए मैं बोल रहा हूं, खाली पत्नी का दायित्व तो नहीं है कि आपके लिए सती सावित्री बनी रहे, पति लोगों को भी अपने लिए पवित्रता का भाव बना के रखना चाहिए। यहां तो आप उसके ऊपर चढ़े रहोगे, डांट दोगे, धमका दोगे, मार के पीट के छोड़ दोगे, जब मरोगे ना तो ऊपर ठोकाई आपकी होगी। नहीं सच में भारत में बहुत बहुत बड़ी विडंबना है कि पुरुष कुछ भी करता है ना तो अपनी गलती नहीं देखता है, और पत्नी से थोड़ी बहुत नादानी हो जाए ना तो फिर उसका जान ले लेते, उनका चले तो, लेकिन नहीं लेते हैं ना, पता है फांसी चढ़ने पड़ेगी। ये सारी बातें हमने इसलिए बताई कि जीवन में बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। संसार में ना बेदाग कोई रह ले बहुत बड़ी बात है, यहाँ कोई ना कोई आदमी किसी न किसी तरीके से आपका दुश्मन आपको झूठे आरोपों में फंसा सकता है, और फंसाने के इतने सारे हेतु है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सावधान, होशियार, खबरदार, ठीक है।